नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है। भाग्यशाली लोगों की क्या पहचान होती है, आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर वो लोग आपकी राशि के बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनका सर सामान्य से बड़ा होता है। सर बड़ा सरदार का, यह आपने सुना होगा, ये कहावत अक्सर सुनी होगी। सरदार से अर्थ वो है जो व्यक्ति के कुंडली में राजयोग है, जो व्यक्ति के पास नेतृत्व क्षमता हो, जो व्यक्ति हमेशा अच्छों के लिए सबके लिए अच्छा सोचता हो, वो सरदार की। तो किसी भी जातक का अगर सर सामान्य से बड़ा है और उसे कई बार खुद को जज करता है तो उसे अटपटा लगता है, लेकिन वो अटपटा नहीं, ये भाग्यशाली लोगों की पहचान है दोस्तों। दूसरा संकेत होता है कि अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपके शरीर पर कहीं भी लाल तिल है। काला तिल तो सभी को पाया जाता है, लेकिन अगर लाल तिल है तो ये दूसरा संकेत है कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। तीसरा संकेत है कि अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा दया आती है, मतलब आप दया के सब्जेक्ट में इस तरह से हैं कि दया से आप इतने परेशान हैं कि कई बार आपको लोग मिसयूज़ भी कर लेते हैं, क्योंकि जिसके मन में दया और करुणा है वो व्यक्ति वाकई में बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि वो वाकई में इंसान भी है और उसके जो ग्रह हैं उस पर बहुत हद तक ग्रहों की सकारात्मक कृपा है, क्योंकि दया वही कर सकता है जो कुछ दे सकता है, और दे वही सकता है जिसके पास कुछ है, और कुछ तभी होगा जब हमें ईश्वर प्रदान करेगा। तो ये कभी भी इस बात को अपना प्लस पॉइंट रखना। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बात भी मैं आपसे शेयर कर दूं कि दया जरूर करें, पर मिसयूज़ वाला जो एक सब्जेक्ट है जिससे आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप जैसे जो लोग दयावान हैं इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की मदद करने के लिए, और जब कोई व्यक्ति मिसयूज़ करता है तो हम बहुत बुरा लगता है हमें, और फिर हम बहुत एक नेगेटिव वे में चले जाते हैं। इसलिए कोशिश करें चीज़ों को थोड़ा सा समझें, आप बस गहराई से लोगों की बातों को सुनेंगे आप समझ पाएंगे कि इसकी यह मदद के लायक है या नहीं है, क्योंकि अगर जो वाकई में जेन्युइन मदद नहीं चाहिए वो झूठ बोल ही देगा अपनी बातों में। चौथे अगले वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके पास होता है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र ऐसी सत्ता है जो हमारे नौ के नौ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को और जो खराब दोष है हमारी कुंडली में उन्हें खत्म कर सकता है। इसलिए अपने पास गुरु मंत्र का होना जरूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी जातक के पास गुरु मंत्र नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? इस तरह के जातक को ओम नमः शिवाय मंत्र को लेकर अपने गुरु मंत्र बना लीजिएगा, शिवजी को अपना गुरु माने, क्योंकि महागुरु तो वही है, और अपने इष्ट को ही गुरु मानकर उनकी आराधना जो आप जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहें, तो वो भी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और सकारात्मक होगा। अगला संकेत है कि जो भी जातक भाग्यशाली होता है, मतलब अगर आपको बार बार धोखे मिलते हैं, छल कपट आपके साथ होते हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली। ये बात थोड़ी आपको लिंक से हटकर लगेगी, लेकिन धोखे और इन सब के पीछे जो वजह होगी आप उसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करेगा, वो आपकी अच्छाई होगी। और जो अच्छा इंसान सच में होता है उसका पैमाना होता है उसे धोखे मिलना, मतलब आप अच्छे हैं तभी तो हमारी अच्छाई का किसी ने मिसयूज़ किया। तो इसे नेगेटिव वे में न लें, उस चीज़ से सीखें, लर्न करें और आगे बढ़ें। क्योंकि ये बात मैंने इसलिए भी ऐड करी है कि आपकी राशि के जो जातक हैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं, और बहुत बार तो एक अलग ही वे में चले जाते हैं। इसलिए ये बात मैंने आपको क्लियर करी। अब दोस्तों मैं और कुछ बातें शेयर करूँ, उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स में एक छोटा सा नाम लिखे महादेव की जय, और चाहते अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर एक बार बात करें, आपकी किसी समस्या का सकारात्मक समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। ओम नमः शिवाय।